तो आज हमारे पास आई है बेस्टर्न कंपनी की 32 इंच एलईडी टीवी, एंड इसमें जो फॉल्ट है दोस्तों वो है वर्टिकल लाइन का। तो अभी मैं इसको चालू कर देता हूँ एंड मैं इसको स्टेमर से रिलीज़ कर देता हूँ। रिलीज़ होने के बाद दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर किस टाइप की लाइनिंग यहाँ पर शो हो रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारी वर्टिकल लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर मैं टैप भी करूँगा तो हमारा बैकलाइट यहाँ पर चालू है। एंड यहाँ पर जो हमारा फॉल्ट है वो डिस्प्ले का हो सकता है या हमारे मदरबोर्ड का भी हो सकता है। तो अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया हूँ। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर HDMI लिखा आया है ऊपर पर और अचानक यहाँ से गायब हो गया। तो दोस्तों अला फॉल्ट है, फर्स्ट टाइम हमारे पास आया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे HDMI यहाँ पर लिखा है नो सिग्नल और वो अचानक यहाँ पर गायब हो गया। तो ऐसे फॉल्ट किस वजह से आते हैं और कहाँ से आता है, डिस्प्ले से या मदरबोर्ड से, इसको कैसे फाइंड आउट करना है पूरा आपको बताऊंगा, पूरा सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना कोई टाइम इसके आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इसके बैक कवर को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों ये इसका मदरबोर्ड है एंड यहाँ पर सिंगल कॉफ का पैनल है। बट दोस्तों ये हमारा लेवल शिफ्टर वाला पैनल है, ना कि CKV वाला। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वोल्टेज को चेक करने वाले हमारे पैनल के कि यहाँ पर हमारा VGH VGL बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है VON यानी VGH यहाँ पर एटलीस्ट 25 से 26 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए। तो अब मैं इसको सबसे पहले चालू कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको चालू कर दिया हूँ। चालू होने के बाद आप यहाँ पर वोल्टेज देख पा रहे होंगे, स्टार्टिंग में यहाँ पर 27 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा था, फिर 15 वोल्ट, 14 वोल्ट, 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, फिर 14, 15 ऐसे यहाँ पर वोल्टेज शो हो रहा है। यानी दोस्तों इसका जो वोल्टेज यहाँ पर स्टेबल नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि हमारा यहाँ पर पैनल यहाँ पर खराब हो सकता है। तो दोस्तों अगर इसमें हमारी लेवल शिफ्टर जो हमारी IC है वो यहाँ पर खराब होती या कोई भी शॉर्टिंग होती तो ऑटोमेटिक हमारा वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाता। बट दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है बट वो स्टेबल नहीं है। तो हो सकता है दोस्तों जो हमारा VGH है इसमें कोई शॉर्टिंग हो या जो हमारा मेन मदरबोर्ड है उसके जो वीडियो सिग्नल का जो वोल्टेज रहते हैं उससे भी कभी कभी दोस्तों ऐसा फॉल्ट हमको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि इसमें जो VCC इनपुट है करेक्ट 12 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा DC to DC IC वोल्टेज बना रही है बट वो स्टेबल नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चेक करूँगा जो हमारा मदरबोर्ड है वो यहाँ पर ओके है या नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यूनिवर्सल मदरबोर्ड को लगाने वाला हूँ, आप देख पा रहे हो इस तरीके से। सबसे पहले मैं इसको टेस्ट करूँगी हमारा मदरबोर्ड का फॉल्ट है या हमारे पैनल का। अगर पैनल का होगा तो हम पैनल को यहाँ पर रिपेयर करेंगे, अगर हम मदरबोर्ड का होगा तो मदरबोर्ड को हम रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे मैं इसको स्टेयर बाय से रिलीज कर देता हूँ, मैं आपको सामने करके दिखाता हूँ और देन उसके बाद मैं आपको वोल्टेज यहाँ पर दिखाता हूँ हमारा VGH का यानी VON का। तो अभी मैं इसको स्टेयर बाय से रिलीज कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा रिलीज हो चुका है, यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट बन चुका है। तो ये मैंने यूनिवर्सल बोर्ड टेस्टिंग के लिए यहाँ पर यूज़ किया हूँ एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा VON का वोल्टेज यहाँ पर कितना बन रहा है, करेक्ट 28 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर 28 वोल्ट यहाँ पर बन चुका है एंड ये स्टेबल है पूरा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारी पिक्चर बन चुकी है एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नो सिग्नल लिखा आ चुका है एंड यहाँ पर पूरी ब्लू स्क्रीन यहाँ पर शो हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका पुराना वाला मदरबोर्ड था उसका जो मेन IC थी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म आ रही थी, बट दोस्तों उसमें जो वीडियो सिग्नल के जो वोल्टेज रहते हैं वो यहाँ पर कोने के शॉर्टिंग होगा या कोने के उसमें फॉल्ट होगा, जिसके कारण दोस्तों जो हमारा DC to DC IC है वो यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर नहीं दे पा रही थी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर न्यू मदरबोर्ड को इंस्टॉल कर दूंगा, बट आप लोग को मालूम चल गया दोस्तों कि अगर ऐसा कोई फॉल्ट आता है हमारे वर्टिकल बार का तो जरूरी नहीं कि हमारे पैनल का फॉल्ट हो, कभी कभी आपके मदरबोर्ड का भी यहाँ पर फॉल्ट हमको देखने को मिल जाता है। सो आई होप गाइस आपको अगली वीडियो में वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं इंटरेस्टिंग बनाता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।